अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में आज दोपहर अचानक बारिश हुई, जिसके नतीजे में सड़कों पर पानी जमा हो गया। पुराने शहर के साथ साथ हिमायत नगर, पंजागुट्टा, लकड़ी का पुल, अमीरपेट, माधापुर, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, आरटीसी क्रॉस रोड, उपल, देसुख नगर और दीगर इलाकों में बारिश हुई। बारिश के सबब बाज इलाकों में पानी जमा हो गया और गाड़ियों की आमद और रफ्त में रुकावट पैदा हुई। बाज मकाम पर बिजली की सप्लाई में भी रुकावट पैदा हो गई। बारिश के सबब मौसम खुशगवार हो गया। इसी दौरान रियासत के कई इलाकों में दर्ज हरारत 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला भद्रादरी, कुत्तगुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यपेट और दीगर अजला में बारिश का इम्कान है। महकमे ने अपने बुलेटिन में कहा कि 12-15 में रियासत में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। तेलंगाना में सनसनी फैलाने वाले तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक मामले में 3 मुलजिमीन की जमानत मंजूर हो गई है। नामपल्ली कोर्ट ने 3 मुलजिमीन रेणुका, रमेश और प्रशांत रेड्डी को फीकस 50,000 रुपये के शख्सी मचलके पर जमानत पर रिहा करने के अहकाम जारी किए। इस वाक़े के खिलाफ रियासत की अपोजिशन जमातों ने शदीद एहतजाज किया था। पुलिस ने सिलसिले में मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया था। आज नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट ने उनकी रिहाई के अहकाम दिए और उनको हिदायत दी कि वो हफ्ते में 3 दिन हर पीर, चारशुम्बा और जुमे को इस मामले की जांच करने वाली खुसूसी जांच टीम के रूबरू हाजिर हों। यह हाजिरी 3 माह तक जारी रहेगी। साथ ही अदालत ने उनके पासपोर्ट जब्त करने की भी अहकाम जारी किए। कबल अजी अदालत ने मुलजिमा रेणुका की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने जुमेरात को डिग्री कोर्सेस में ऑनलाइन दाखिलों के लिए दोस्त का शेड्यूल जारी किया। चेयरमैन काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन प्रोफेसर लिम्बाद्री ने शेड्यूल जारी करने के बाद कहा कि डिग्री के मुख्तलिफ कोर्सेस में दाखिले के लिए एक जो प्रोसेस होता है, ये अमल 3 मरहलों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोस्त का रजिस्ट्रेशन इस माह की 16 तारीख से 10 जून तक रखा गया। वेब ऑप्शन इस माह की 20 तारीख से 11 जून तक दिए जाएंगे और डिग्री की सीटें पहले मरहले में 16 जून को अलाट की जाएंगी। रजिस्ट्रेशन का सेकेंड फेज 16 से 26 जून तक दस्तियाब होगा और 16 से 27 जून तक वेब ऑप्शन देना होगा और दूसरे मरहले में 30 जून को सीटें अलॉट की जाएंगी। जगतियाल शहर में बुरखा पोश लड़की को बस में तमाचा रसीद करने और उसकी मां के साथ बदतमीजी करने के वाक़े के बाद मकामी मुसलमानों के शदीद एहतजाज के दबाव में आकर महकमे पुलिस ने तादीबी कार्रवाई के तहत खाती सब इंस्पेक्टर पुलिस जगतियाल रूरल पुलिस स्टेशन अनिल को मुअत्तल कर दिया। मंगल को पेश आया इस वाक़े के बाद जगतियाल ज़िले के अलावा तेलंगाना के कई इलाकों में शदीद एहतजाज किया गया था और खाती सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया था। आज मजलिस के रुकन असेंबली जाफर हुसैन मिराज ने करीमनगर, जगतियाल और निज़ामबाद ज़िले के मजलिसी कायदीन के साथ जगतियाल का दौरा किया और मुतासरा लड़की शेख फराह के मकान पहुँच कर लड़की और उनकी वालदा से मुलाकात करते हुए तफसीलात हासिल की।
बाद अज़ां मजलिस के रुकन असेंबली ने ज़िला एसपी से मुलाकात के लिए डीएसपी के दफ्तर पहुंचे, जहां डीएसपी प्रकाश ने बताया कि ज़िला एसपी मौजूद नहीं है, जिस पर रुकन असेंबली जाफर से मिराज ने कहा कि वो ज़िला एसपी से मुलाकात करके ही वहाँ से वापस होंगे। उन्होंने पुलिस के रवैये पर बरहमी का इजहार किया और फौरन डीजीपी से बात फ़ोन पर बात की। बाद अज़ां ज़िला एसपी अपने दफ्तर पहुँचे और मजलिसी कायदीन को मुलाकात के लिए वक्त दिया, जिस पर रुकन असेंबली मिराज हुसैन और दीगर मजलिसी कायदीन ने ज़िला एसपी से मुलाकात की और खाती सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल करने का मुतालबा किया, जिस पर ज़िला एसपी ने तहकुद दिया कि मुतासर लड़की के साथ मुनासिब इंसाफ किया जाएगा और वो इस मामले को आईजी चंद्रशेखर रेड्डी के इल्म में ला चुके हैं। उसके थोड़ी देर बाद सब इंस्पेक्टर अनिल को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए गए। हमारा आने का मेन मकसद ये है कि आपके साथ जो हुआ हमको सुने हैं सोशल मीडिया में, सुने हैं वापिस तकरीबन वापिस भी हो गया है, नहीं होने की चीज़ हुई, मगर आप जरूर इसके ऊपर इंसाफ बताएंगे। अभी मैं एस पी से भी मिलूँगा और आई जी से भी मिलूँगा, करीना कर जाके मिलकर इन शाह उसको सस्पेंड भी कराएंगे, उसको हवाले भी कराएंगे, जब तक मैं खासतौर से तेलंगाना में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तेलंगाना के अंदर पुलिस हमेशा ये डिमांड करती है कि हम लोग जो भी है फ्रेंडली पुलिस है वो आवाम की मदद करते हैं। अगर आपके साथ गलत हुआ होगा इंशाल्लाह उसके लिए मैं पास आ रहा हूँ सदर साहब जाने के बाद से, चलिए अभी एस पी से मिलते हैं बात करते हैं। आप हो गया बेटा बी ए भी कम्प्लीट, चलो अलहमदिल्लाह बात करें ऊपर भी अपन एक्शन लेने की बात करेंगे और कराएंगे इंशाल्लाह। हम आज मैं जाफर हुसैन एमएलए नामपल्ली जगतियाल तशरीफ लेके आया हूँ, नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के इंस्पेक्शन पे, रबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब के साथ लीडरशिप के अंदर, क्योंकि कल एक दर्दनाक वाकया हुआ था जो मेरी बहन है उनके साथ में, जिसका नाम शेख खड़ा है, कि बस में वो करीमनगर से जगतियाल आ रही थी, कोई एक लेडी बाजू बैठी, उसके बाद में वो लेडी का आइडेंटिफिकेशन ये हुआ कि एक सब इंस्पेक्टर जगतियाल की वाइफ है, उन्होंने फराह के साथ में मिसबिहेव किया। उसके बाद में वो अपने हस्बैंड को फ़ोन करी अनिल को, वो बीच में आके गाड़ी रोके आने के बाद, उसके बाद में हमारी बहन हमारी बेटी के साथ में गलत बिहेव किया, जिसके ऊपर कोई चीज़ की हिफाजत करने के लिए, मगर ये सब इंस्पेक्टर हिफाजत करने के बजाय एक रोडिज्म की तरह, एक रोडियों की तरह जरूरी है कि जिस तरीके से वो सब इंस्पेक्टर ने बच्ची के साथ रवैया किया है उसके ऊपर जो दफ्ते लगे हैं हम उससे मुतमईन नहीं हैं, जिसके ऊपर एस पी साहब ने ना सिर्फ वादा किया बल्कि इमीडिएट दफ़ों को लगाने के लिए भी प्रॉमिस किया है। उसके साथ साथ हमारा एक दूसरा डिमांड ये था, क्योंकि बच्ची को अमेरिका के टेक्सास में हुए फायरिंग के वाकये में हलाक तेलंगाना की लड़की ऐश्वर्या रेड्डी को रियासती वजीर जगदीश रेड्डी, रुकन असेंबली जी किशोर और दीगर ने भरपूर खिराज पेश करते हुए लाश पर फूल चावर किए। ऐश्वर्या डलास में आला तालीम हासिल कर रही थी, वजीर जगदीश रेड्डी ने उनके गमजदा अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। जगदीश रेड्डी ने ऐश्वर्या की लाश की रियासत मुंतकली के सिलसिले में अमरीकी कौंसलेट से नुमाइंदगी भी की थी। रियासत तेलंगाना की पुलिस स्टेशन की इमारतें किसी भी कॉरपोरेट दफातर से कम नहीं हैं, जबकि तश्कील तेलंगाना से पहले पुलिस स्टेशन की इमारतें खस्ता हाली का शिकार थी। इन ख्यालात का इजहार तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जुमेरात को आई सदन और सईदाबाद पुलिस स्टेशनों की इमारतों का इफ्तिताह करते हुए किया।
उन्होंने कहा कि तेलंगाना की मुतहरिक पुलिस जो अपनी फर्ज शनासी के लिए सामाजिक खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, मुल्क भर में कहीं नज़र नहीं आती, इसलिए तेलंगाना पुलिस को मुल्क भर में एक ख़ास मुकाम हासिल है। वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने राशन डीलरों से ख्वाहिश की है कि वो हड़ताल शुरू करने के फैसले से दस्तबदार हो जाएं। हुकूमत उनके मसाइल को हल करने के इकदामात कर रही है। 22 मई को राशन डीलर्स एसोसिएशन के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए उनके मसाइल का जायजा लिया जाएगा। वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने आज सिविल सप्लाई कमिश्नर वी अनिल कुमार और दीगर सीनियर अहदेदारों के साथ हैदराबाद में अपनी सरकारी रिहायशगाह पर राशन डीलरों के मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए गंगुला कमलाकर ने कहा कि केसीआर हुकूमत गरीबों में राशन को तकसीम करने का एक अजीम काम कर रही है। रियासत में किसी भी ज़रूरतमंद को भूखा नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि तकरीबन हर माह 90 लाख कार्ड से ताल्लुक़ रखने वाले 2,82,60,000 लोगों को MLMT अलाट किए जाते हैं, जिस पर 298 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं और हुकूमत सालाना 3,580 करोड़ राशन पर खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि इस वक्त रियासत में 17,220 से ज़्यादा राशन की दुकानें चल रही हैं और उन तमाम डीलरों को महाना 12 करोड़ रुपए का कमीशन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले ही कई बार राशन डीलर से बातचीत की गई है और अहदेदारों को उनके अहम मसाइल को हल करने की हिदायत दी गई। वजीर पंचायत राज रेवल दयाकर ने कहा कि जूनियर पंचायत सेक्रेटरीज को फौरी तौर पर हड़ताल खत्म करनी चाहिए जो गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से JPS को मुज़ाकरात के लिए दावत देने की जो इत्तला गश्त कर रही है वो दुरुस्त नहीं है, ऐसे प्रोपेगेंडे पर यकीन न करें। उन्होंने वाजे किया कि ना तो उन्होंने और ना ही किसी और ने हुकूमत की जानिब से बातचीत के लिए मदद किया था। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि जूनियर पंचायत सेक्रेटरीज हड़ताल ख़त्म करके अपनी ड्यूटी पर रुजू हो जाएं। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने आज उस शख्स से मुलाकात की जो कि पल्लीकुंडा गांव भीमंगल मंडल का रहने वाला है। बारिश के दौरान बिजली गिरने से इसकी 48 बकरियां फौत हो गई थी। आज उन्होंने उस शख्स से मुलाकात करते हुए
हुकूमत की तरफ से मुमकिन मदद देने का तयकुन दिया। साथ ही उन्होंने जाती तौर पर 50,000 रुपये की मदद इस शख्स की। పాల్కొండ నియోజకవర్గంలోని భీమగల్ మండలంలో పల్లికొండ గ్రామంలో మొన్న 3వ నాడు దుర్దృష్టవశాత్తు విడుగుబడి కర్రం అనిల్ అనే కర్రోల్ అనిల్ అనే యాదవుడిది ఆయన మీద పడ్డది పిడుగు. ఆయన ఆయన గొర్రెలు తీసుకొని కాయనికి పోయినాడు. ఆ గొర్రెల మంద మీద కూడా పిడుగుబడి 48 గొర్రెలు చనిపోవడం జరిగింది. చాలా బాధ. వాళ్ళకున్న ఆధారం, కుటుంబానికి ఉన్న ఆధారం ఆ గొర్రెల మందని. ఆయనని పరామర్శించడానికి ఆయన బాగానే ఉన్నాడు. ఆయనకు కూడా కొద్దిగా ఇంజూరీస్ అయినాయి, పర్వాలేదు, ఆయనకి ఇబ్బంది లేదు. అయితే 48 గొర్రెలు చనిపోయినందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి నేషనల్ డిసాస్టర్ స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో అంటే ప్రకృతి. डॉक्टर बीआर अंबेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की मीडिया पॉइंट पर महाराष्ट्र के बीआरएस कायदीन महेश और दीगर ने बात करते हुए बताया कि ये पूना और महाराष्ट्र के कई अजला से ताल्लुक रखने वाले कायदीन तेलंगाना की तरक्की को देखने के सिलसिले में हैदराबाद पहुंचे और सदर बीआरएस व वजीर आला चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। उन कायदीन ने बताया कि तेलंगाना में जिस तरह किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरखी सरबराह की जा रही है, अराजियात को पानी की सरबराही को मुमकिन बनाया गया, साथ ही रैतु बंधु रैतु बीमा जैसी स्कीमात लागू की जा रही हैं। उन्हीं स्कीमात को महाराष्ट्र में भी रूबे अमल लाने के सिलसिले में बीआरएस में उन्होंने शमूलियत अख्तियार की। साहब हमसे 2.5 घंटा बात किए, सब डेवलपमेंट के बारे में बात किए, आप सब दिखाने के लिए हम जा रहे हैं, देख रहे हैं। तेलंगाना की जो किसानों के लिए सुविधा है, 24 घंटा पानी, बीज, शिक्षण मुफ्त है, बाद में एजुकेशन के लिए मुफ्त है, ये सब चीज़ रेत बंधु दलित बंधु ये जो योजना है, जो कामगार के लिए बहुत सही योजना है, यानी समाज में जितने घटक हैं उन सब लोगों के लिए अच्छी तरह से उसमें उनके डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह से उन्होंने कोशिश की है और एक देश के लिए एक मॉडल खड़ा किया है। हमें ये सब देखने के बाद ये लगता है कि महाराष्ट्र में जो शेतकरी और पिछड़ा वर्ग है उनके लिए और कुछ डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए बीआरएस जैसे सब पार्टियों ने अलग अलग जो निर्णय है कि हित में शेतकरी के हित में जो निर्णय लेने चाहिए वो तो नहीं ले पा रहे, उसकी वजह से महाराष्ट्र में जो आत्महत्या होती है वो रुकने के लिए बीआरएस का भवितव्य अच्छा होना चाहिए। पूरे देश में बीआरएस को शेतकरी और युवक ने साथ में आके थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की सब गवर्नमेंट जो है वो किसानों की है, सब घटकों को साथ में लेके चलती है। इसी तरह सब घटकों को लेकर जाने के पूरे भारत में बीआरएस को अच्छा भविष्य आना चाहिए। इसके लिए धन्यवाद मुख्यमंत्री साहब को मैं बधाई देता हूँ
और शुभेच्छा भी देता हूँ उनकी डेवलपमेंट के लिए। सिटी के बारे में, सिटी के बारे दोनों एक कोई बन गए, महाराष्ट्र पूरा सिटी से पुणे से मैं महेश ढिल्लो हूँ। आप सबको मालूम है कि 10 साल पहले सबका साथ सबका विकास करके गुजरात का फिर मॉडल बना के पूरे देश को गुमराह बनाया। अभी जो भारत अपना देश है वो कृषि प्रधान देश है और इस देश की सब इकोनॉमी जो है वो खेती के ऊपर डिपेंड है। ऐसा सोच के तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री केसीआर जी, उन्होंने अब की बार किसान सरकार का नारा देके पूरे देश में एक माहौल बनाया है कि इस देश में अगर सब अच्छा हो सकता है तो अगर किसान यहाँ का जो क्या बोलते हैं किसान जो है उसका डेवलपमेंट होगा तो पूरा देश की डेवलपमेंट हो सकती है। ये तेलंगाना सरकार ने जो मॉडल बनाया है वो मॉडल महाराष्ट्र में सबसे पहले आया है और महाराष्ट्र ऐसा देश है कि जहाँ राज्य है जहाँ पे भारत का इकोनॉमी का कैपिटल है। अगर तेलंगाना 8 साल साहब हमसे 2.5 घंटा बात किए, सब डेवलपमेंट के बारे में बात किए, अब सब दिखाने के लिए हम जा रहे हैं। सीएलपी खायद भट्टी विक्रमारा की पदयात्रा आज 56वें दिन में दाखिल हो गई। उन्होंने आज रंगारेड्डी जिले के शमशाबाद में पदयात्रा करते हुए आवाम से मुलाकात की और उनके मसायल की जानकारी हासिल की। उन्होंने कॉर्नर मीटिंग्स को खिताब करते हुए बीआरएस और बीजेपी हुकूमतों पर तनकीद की और कहा कि ना तो मरकज की बीजेपी हुकूमत और ना ही तेलंगाना की बीआरएस हुकूमत अवाम उन्नास बिलखसूस नौजवानों और किसानों से किए गए वादों को पूरा करने में कामयाब रही। रियासती हुकूमत और वजीर आला चंद्रशेखर राव ने रियासत में 2 लाख से ज़्यादा मखलूआत जायदादों पर तकर्रात करने के सिलसिले में टाल मटोल की पॉलिसी अपनाई है। शहर हैदराबाद में तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के दफ्तर का IBVP के कारकुनों ने मुहासरा करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में कशीदगी फैल गई। पुलिस ने उन कारकुनों को रोक दिया और उनको हिरासत में ले लिया। उन कारकुनों ने मुतालबा किया कि यूनिवर्सिटी का दर्जा दिए बगैर दाखिले देने वाले बास कॉलेजेस की मुसलमा हैसियत मनसूख की जाए। उन्होंने अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की। इस मौके पर खातून कारकुनों की पुलिस से बहस और तकरार हो गई। उन्होंने उसे पुलिस की नाइंसाफी से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने उन कॉलेज को सिर्फ नोटिस से जारी की है और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने उन कॉलेजेस के सुदूर नशीन को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। शहर हैदराबाद और उसके अतराफ के इलाकों में तारीखी सीढ़ियों वाली कदीम बौलियों की बहाली के काम जारी हैं। इसी के हिस्से के तौर पर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शहर के फलकनुमा बस डिपो में वाकई सीढ़ियों वाली बौली की बहाली की तजवीज़ पेश की है। ये बौली तकरीबन 300 साल कदीम है। इसको बहाल करने का काम HMDA की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और इदारा रेन वाटर प्रोजेक्ट के इश्तराक से किया जाएगा। HMDA ने कहा कि निज़ाम हैदराबाद ने इस तारीख की बौली जो फलकनुमा पैलेस के करीब है इसका इस्तेमाल अपने शख्सी स्विमिंग पूल के तौर पर किया था। इस बौली को बहाल करने के काम के सिलसिले में झीलों की बहाली के लिए सरगर्म तंजीम साहे TSRTC और DHMC ने याददाश्त से मुफाहमत की है। एक ज़हनी तौर पर मुतासर बाप ने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। ये वारदात तेलंगाना के पेद्दपल्ली ज़िले में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के मंथनी मंडल में सैदैया नामी शख्स ने अपनी 10 साल लड़की जिसकी शिनाख्त रजीता के तौर पर की गई है उस पर कुल्हाड़ी से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। उसने ये वारदात उस वक्त अंजाम दी जब घर में खानदान के दीगर अरकान मौजूद नहीं थे। बाद अज़ां उसने गाँव में एक और शख्स पर हमला करते हुए उसको ज़ख्मी कर दिया। मकामी अफराद ने बताया कि यह शख्स कुछ अरसे से ज़हनी मसाइल से दोचार था। पुराने शहर के मुगलपुरा इलाके में
जीएचएमसी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज आतिशबाजी का वाकया पेश आया। यहाँ बहुत से रिकॉर्ड्स थे जो इस आतिशबाजी की वजह से बर्बाद हो गए, जबकि बहुत से रिकॉर्ड्स को जीएचएमसी के अधिकारियों ने सरदार महल के दफ्तर में मुंतकिल किया। पानी मारना पड़वा नीचे है शादी से दो दिन पहले होने वाला दूल्हा सड़क हादसे में हलाक हो गया, जिसके बाद दोनों खानदानों में गम की लहर दौड़ गई। ये वाकया तेलंगाना के ज़िले वरंगल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक वरंगल शहर के रामन्ना पेट से ताल्लुक रखने वाले देवरकुंडा सागर की इस माह की 12 तारीख को शादी मुकर्रर थी। घर वालों ने सागर की शादी के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। शहर के निर्मला मॉल के करीब बाइक पर सड़क उबूर करते वक्त सागर को एक और तेज़ रफ्तार बाइक ने टक्कर दे दी। इस हादसे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। इस वाकये की इत्तला के साथ ही दूल्हा और दुल्हन के मकानात में शादी की खुशियां मान पड़ गई। अत्तापुर के पास एक शख्स शराब के नशे में हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। ये देखकर वहां से आने जाने वाले आवाम जमा होना शुरू हो गई और पुलिस को इसकी इत्तला दी गई। लंगर हाउस पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और उस शख्स को काफी मशक्कत के बाद समझा बुझाकर नीचे आने के लिए मनाया गया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए आईएनएन चैनल।